अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सीखेंगे आरजीबी लाइट के बारे में और उसको कैसे प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली कलर्स चेंज कर रही है क्योंकि हमने उसको यहाँ पे प्रोग्राम किया हुआ है। चलें आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से एक है ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो उनो, उसकी केबल, कुछ जम्पर वायर्स, ये हम देख सकते हैं ये मेल टू मेल जम्पर वायर्स हैं, और 470 ओम का रेजिस्टर और एक आरजीबी एलईडी। तो चलें पहले हम थोड़ा सा आरजीबी एलईडी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल एलईडी जो आपने कभी ना कभी कहीं यूज़ की होंगी, उनकी 2 लेग्स होती हैं, लेकिन आरजीबी एलईडी की 4 लेग्स होती हैं। इसको इस तरह समझ लें कि 3 डिफरेंट कलर्स की आरजीबी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू एलईडीज को मिक्स करके एक साथ जोड़ के एक एक ही एलईडी बना दी गई है, जिसको हम कहते हैं आरजीबी एलईडी। आरजीबी एलईडी की आपके पास होगी पिक्चर इस तरह की होती है, और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो आरजीबी एलईडीज बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक कॉमन कैथोड और दूसरी कॉमन एनोड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं। इसको इस तरह समझ लें कि कॉमन कैथोड के अंदर इसकी जो लॉन्गेस्ट वायर होती है, आरजीबी की 4 लेग में से जो लॉन्गेस्ट वायर होती है, उसमें अगर हम नेगेटिव वोल्टेज या ग्राउंड या 0 दें और बाकी किसी भी वायर के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज दें, तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। और कॉमन एनोड में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कॉमन एनोड में इसकी सबसे लॉन्गेस्ट वायर के ऊपर अगर हम पॉजिटिव वोल्टेज दें और बाकी किसी भी वायर के ऊपर नेगेटिव वोल्टेज दें, तो वो एलईडी ऑन हो जाती है। तो आपके पास जो एलईडी है, उसको पहले टेस्ट करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो हम ट्राई करते हैं। पहले आपने ये बेसिक सा सर्किट बनाना है। इसमें ये हमारी एलईडी है और ये वाली वायर इसकी लॉन्गेस्ट वायर है। इस लॉन्गेस्ट वायर को आपने एक रेजिस्टर के थ्रू, इस तरह रेजिस्टर लगाना है, और फिर वायर ये ब्लैक कलर की किसी भी कलर के वायर के थ्रू आपने इसको ग्राउंड में कनेक्ट कर देना है आर्डिनो के, और किसी इस वाली वायर को या किसी भी इन तीनों में से किसी भी एक वायर को आपने कनेक्ट करना है 5 वोल्ट से। अगर आपकी एलईडी ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी एलईडी कॉमन कैथोड है, और अगर नहीं होती तो आपने फिर इसको ये चीज़ ट्राई करनी है। ये सेम सर्किट डायग्राम है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। तो इसमें हमने लॉन्गेस्ट वायर को पॉजिटिव 5 वोल्ट से कनेक्ट किया है, और किसी भी अलग वायर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है। और अगर अब आपकी एलईडी ऑन हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी एलईडी कॉमन एनोड है। तो इसको टेस्ट करते हैं। मेरे पास जो एलईडी है, जब मैंने टेस्ट किया इसको, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कॉमन एनोड है। इस केस में हम ये सर्किट डायग्राम फॉलो करेंगे कॉमन एनोड वाले केस के अंदर। इसको पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि हमने सेम पहले वाले सर्किट को थोड़ा सा एड ऑन कर रहे हैं। तो उसकी लॉन्गेस्ट वायर है कॉमन कैथोड, उसी की लाइन में हमने एक रजिस्टर को ऐड किया है, और इस रजिस्टर के दूसरे एंड से हमने एक वायर कनेक्ट करके पॉजिटिव 5 वोल्ट आर्डिनो में अटैच कर दी है। और बाकी जो 3 वायर्स हैं, इन सब में ये जो बेसिकली कलर्ड लाइन नज़र आ रही हैं, ये वायर्स हैं, मेल टू मेल जम्पर वायर्स हैं ये। तो आपने इस तरह कनेक्ट करना है इनको। तो इस वाली वायर से हमने कनेक्ट किया है पिन 2 को, इस वाली वायर से हमने कनेक्ट किया है पिन 3 को, और इस वाली वायर से कनेक्ट किया है हमने पिन 4 को। तो आपकी सर्किट डायग्राम अब रेडी हो गई है। इसके बाद आपने ये करना है कि आर्डिनो को पावर अप करना है लैपटॉप से कनेक्ट करके, और ये कोड एम ब्लॉक पे बनाना है। ये कोड बहुत ही सिंपल है। इसका पहला ब्लॉक हमें बता रहा है कि जब आपका व्हेन आर्डिनो यूनो स्टार्ट्स अप, कि जब भी हमारा आर्डिनो को पावर मिलेगी। उसके बाद एक फॉरएवर का लूप है, और इसके अंदर हमने सेट डिजिटल पिन 2, 3 और 4 के ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। इस कोड में हो ये रहा है कि पहले सबसे पहले पिन 2 को हमने लो किया है और बाकी दोनों को हाई रखा है। हमने इसको लो इसलिए किया है क्योंकि
इस केस में हमारे पास कॉमन एनोड है और हमने इन वायर पर जब भी लो वोल्टेज देंगे तो एलईडी ऑन हो जाएगी। सिमिलरली हमने आगे ये किया कि एक दफ़ा पिन टू ऑन हाई पिन टू लो करके एक कलर की एलईडी ऑन होगी, 2 सेकेंड वेट होगा और फिर हमने इसको हाई करके अगली को लो कर दिया है तो सिमिलरली कलर चेंज हो जाएगा। तो इस सेम एज इट इज कोड आपने कॉपी करना है ब्लॉक के ऊपर इन केस कि आपकी एलईडी जो है वो कॉमन एनोड नहीं कॉमन कैथोड थी। तो हम ये सर्किट डायग्राम फॉलो करेंगे, अपने आराम से आप वीडियो पॉज करके इसको फॉलो कर सकते हैं। पूरी सर्किट डायग्राम सेम है, सिर्फ एक फर्क है कि कॉमन एनोड के अंदर हमने इस वायर को 5 वोल्ट से कनेक्ट किया था लेकिन इस केस में हम कॉमन कैथोड है तो हमारे पास इस लॉन्गेस्ट वायर की जो डायरेक्शन में वायर आती है इस वायर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। और याद रखें कि जो रजिस्टर हमने यूज़ किया है ये 470 ओम का रजिस्टर आपने यूज़ करना है। ये एलईडी की सेफ्टी के लिए होता है ताकि एलईडी बहुत ज़्यादा वोल्टेज या करंट से ख़राब ना हो जाए। और कॉमन कैथोड के लिए आप ये कोड यूज़ करेंगे, बिल्कुल सेम कोड है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम जिस भी एलईडी को ऑन करना होता था तो उसको हम लो करते थे और बाकियों को हाई। इस केस में बहुत ही सिंपल है कि जिसको हमने एलईडी को ऑन करना है उस पिन को हम हाई कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पिन टू को हाई किया है, बाकी दोनों लो हैं, 2 सेकेंड का वेट किया, उसके बाद फिर पिन टू को लो कर दिया है और पिन थ्री को हाई कर दिया है। सिमिलरली दोबारा 2 सेकेंड वेट किया हमने और फिर हमने पिन टू को जो है पिन टू और थ्री को लो किया है और 4 को हाई कर दिया। चलें आइए इस कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा बनता है हमारा। तो ये मैंने कोड बना के रखा हुआ था, अब इसको अपलोड करते हैं। चलें अब इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं कि याद रखें कि मेरे वाले केस में मेरे पास जो एलईडी है वो कॉमन एनोड है। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपकी एलईडी कौन सी है। मेरा कोड बिल्कुल सही तरीके से अपलोड हो गया है, उम्मीद है कि आपका भी हो गया होगा। चलें आए प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो बिल्कुल अमेजिंग हमारा प्रोजेक्ट अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, जिसमें तीनों कलर्स 2 सेकंड के डिले के साथ डिफरेंट कलर चेंज हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ आपने ट्राई करनी है कि इस कोड से थोड़ा सा खेलें डिफरेंट। हम भी हमने नोट किया है कि हम एक वक्त में एक एलईडी को लो कर रहे हैं, आप डिफरेंट एलईडीज को वोल्टेज हाई लो करके देखें कि क्या ये पॉसिबल है कि हम कलर मिक्स करके कुछ नए कलर्स बना पाएं। ये आपने करके ट्राई करना है और हमें कमेंट में बताना है कि क्या कलर्स मिक्स हो पा रहे हैं कि नहीं।